रुको 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 रुको, निकलते हैं। आप सामने देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। तो आज का जो हमारा प्लान है वो हम निकलेंगे पहले यहाँ से उधमपुर, पटनी टॉप, बनिहाल, उसके बाद सारे डायरेक्ट निकल जाएंगे हम लोग श्रीनगर की तरफ, ठीक है। तो सारी जो पैकिंग शैकिंग है वो हो चुकी है, ये देखो पूरा हमने खलारा फला रखा है, पैकिंग शैकिंग सारी हो रखी है। एंड पेट्रोल फुल, मतलब पेट्रोल डलवाना है, देन उसके बाद डायरेक्ट निकलना है, कोई भी स्टॉपेज बीच में नहीं है। हाँ, और इस रूट पे ना थोड़ा ये थोड़ा सा एक्सट्रीम होने वाला है रूट, ठीक है। तो इस वाले जो ब्लॉग में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था वो सीधे सीधे रोड था, और सीधे सीधे रोड में किसको मज़ा आता है वो आप भी समझ सकते हो। तो ये वाला जो पूरी सीरीज़ है कंप्लीट करना, ठीक है। अगर कोई बंदा नया है, जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर शेयर भी कर देना लो, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सीधा आपको मैं मिलता हूँ बाइक पे, और आज की जर्नी है भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय महादेव। रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है टाइमिंग 6:30 और 264 किलोमीटर। मैं जो जम्मू से 5 किलोमीटर पहले था, जैसे कि आपको मैं बता दिया था, और यहाँ से हमारी राइड जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ये जो राइड है ना भाई, इस राइड में ना सच बताऊँ मैं, बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया जो है पहाड़ों में आएगा, हिल्स में आएगा, ठीक है। आपको अलग अलग तरह के टनल्स मिलेंगे, कुछ लंबे कुछ छोटे, और जो रूट है थोड़ा सा एडवेंचरस होने वाला है, कहीं पर रोड सही आएगा, कहीं पर रोड ख़राब आएगा, तो ये जानकारी पूरी आपको मिलती रहेगी। और तो वो देखो यार, मेरी आंखों के सामने दिख रहा है यार, मतलब कैमरा कैच नहीं कर पा रहा भाई, वो वाइट रंग की चढ़ी हुई है भाई चादर पूरी की पूरी उस पहाड़ के ऊपर, वाव। ये कुछ रास्ते हैं यहाँ के, अभी तो फिलहाल जो है डबल लेन चल रही है, तो थोड़ा चलने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, और जिगजैग करने में मज़ा आ रहा है। तो वो इधर देखो पूरा को पूरा दिख रहा है आपको, आगे से दिखाता हूँ आपको मैं, और हमारे दोनों तरफ जितने भी है ना, ये देखो क्या नज़ारे हैं यार, नीचे फ्लैट है और ऊपर आपका पहाड़ों पे हमारा स्टार्ट चढ़ना। थोड़ी थोड़ी जब यहाँ पे ना क्या है हल्के हल्के, ये देखो क्या नज़ारे हैं यार, मतलब इसी नज़ारे को देखने के लिए बंदे कहाँ कहाँ से आते हैं यार। अपनी इंडिया में ना जन्नत है हर चीज़। तो भैया आगे दिखा रहा है श्रीनगर के लिए राइट को लेना है, राइट ले लेंगे। उधमपुर 58 रह गया यहाँ से, कटरा 36 रह गया है, सॉरी 38 रह गया है, बनिहाल 151। फुल कर अंकल जी, कैश कार्ड पेटीएम कार्ड नहीं चल रहा, डालो डालो। तो भाई सुबह से तो है कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया ना, चाय भी ना कुछ पिया, तो यहाँ पे पीते हैं पहले, यहाँ पे जूस वाला है, जूस पियेंगे, फिर शिकंजी पियेंगे, फिर जूस पियेंगे। तो हाँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे गौर किया है ना, यहाँ पे ये लोग गोंद का तेरा डालते हैं ना इसके अंदर, तो क्योंकि पेट के लिए थोड़ा सही होता है ये, जैसे हमारे वहाँ दिल्ली वगैरह में वो सिर्फ क्या करते हैं, नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया और पानी दे दिया। वहाँ दिल्ली में हाँ हाँ ना, यहाँ पे बंदे ने एकदम जेन्युइन मांग दे रहा है। तो भैया ये जो है इस रूट का पहला हमारा टनल आ गया है, मेरे 33 साल के करियर में मेरा पहला टनल है इसमें मैं जाऊंगा, ठीक है। और इसमें हॉर्न बजाना और अलाउड नहीं है, भाई मैंने हेलमेट पहन रखा है, जो मेरा ब्लैक शीशा है ना, मेरे को कुछ दिखाई वो क्या हो गया। ये है तीसरी टनल, ये भी 5.5 मीटर की टनल है, और देखो बड़े बड़े ना इसमें वो लगा रखे हैं वेंटिलेशन के लिए पंखे। अब आपको ना बहुत चमकदार लाइट दिख रही होगी, और बाहर निकलते ही सब नॉर्मल हो जाएगा। तो भैया तीन थे टनल जो हमने पार कर लिए, चार पार कर लिए भाई। इतनी भी क्या, मतलब लंबी लंबी कतार लगी पड़ी, समझ नहीं आ रहा मुझे।
यार पिछले मतलब पिछले आधे किलोमीटर से देखता आ रहा हूँ मैं, जितनी भी ट्रकें हैं ना सब लाइन में खड़ी हैं, अभी सब में ड्राइवर है या नहीं है, या इन्होंने फिर ऐसे खड़ी कर रखी है, या फिर चेकिंग के लिए खड़ी कर रखी है। फाइनली भैया यहाँ पे जो है ख़त्म कर दिया है। ओके वहीं तक था जो जाम मतलब बंद कर रखा था। अरे यार देखो ना नीचे कितना दिख रहा है, खाई खाई सा दिख रहा है भाई, स्वीट सा। इसको तो शुरू से जल्दी पड़ी भाई, इस कार वाले को पता नहीं भैया ये उड़ के जाएगा मुझे लगता है। भाई भूख लगी थी बहुत तेज, और ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ना एक होटल में रुके, लाइन होटल है ढाबा है, वहाँ रुक गए और मंगाया हमने क्या ब्रेड ऑमलेट फिलहाल। और यार पहाड़ों में ना यही चीज़ खाने का मजा आता है, ब्रेड ऑमलेट हो गया, मैगी हो गई, और शहरों में होता ना ये सब चीज़ें खाने का मन बिल्कुल मन नहीं करता। और यहाँ पे बाइक देखो पीछे लगी है हमारी, हमारी बाड़ा भी खा रही है, खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर की तरफ। यहाँ से श्रीनगर है 200 किलोमीटर, मैंने 26 किलोमीटर जो है वो तय कर लिया है, और टाइम तो वही है 5 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे ना बाइक की थोड़ी स्लो चलती है, कम धीरे चलती है, इसलिए दिखा रहा है। अदरवाइज 2 से 2.5 घंटे में हम पूरा कर लेते, 250-300 किलोमीटर तो अगर लाइन सीधी होती तो। अभी तक मैंने आपको अपना तो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, लेकिन ना मेरी बाइक का एक्सपीरियंस ये नहीं करा कि उसका जो 600 किलोमीटर है वो कैसा रहा, तो वो बताइए कि वो 600 किलोमीटर उसके लिए कैसा रहा। ठीक है, तो ये 600 किलोमीटर आपके लिए कैसा रहा अभी तक का सफ़र? बहुत अच्छा, मतलब कंफर्टेबल से बैठ कर आराम से, कोई दिक्कत? बस थोड़ा थक जाते बैठे बैठे पोजीशन में, वरना अच्छा अच्छा था। मतलब अब जो पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपको अच्छा लग रहा है या इससे पहले अच्छा लग रहा था? अब तो अच्छा लगेगा ही, पहाड़ आ गए, पहले भी अच्छा था। पहले भी अच्छा था क्योंकि मौसम सही था ना, गर्मी नहीं थी इतनी। हाँ सारी बात तो मौसम को डिपेंड करती है, मौसम बढ़िया हो तो सफ़र कैसे भी कट जाता है। कल तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गया था, रात को डरा दिया था, डरा दिया था सही। कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? टॉप श्रीनगर। अरे वाह यार स्कूटी पे, कहाँ से आए हो? हाँ जी डीके मोटर लाइफ लाइफ कहाँ से आए, कहाँ से हो? नहीं वेयर फ्रॉम? केरला। केरला हो ओके बाय बाय। तो ये भैया थे, ये स्कूटी पे आए केरला से और जा रहे हैं श्रीनगर ऊपर कश्मीर तक। वाह यार क्या गट्स है बंदे, मानना पड़ेगा भैया। हो गई ये पेट पूजा, हमने खा पी लिया है और यहीं पे हमें बजा दिए 11:30 हमने यहीं पे बजा दिए हैं। अब यहाँ से ना नॉन स्टॉप चलेंगे, कहीं रुकना नहीं है। 200 किलोमीटर है, 197 दिखा रहा है और 5 घंटे का टाइम दिखा रहा है, तो डायरेक्ट निकलेंगे। कूल भाई मज़ा आ गया, मौसम ऑसम सब कुछ ऑसम। अपनी हंटर मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकंड ये बाइक होगी जो दिल्ली से यहाँ आ रही है इतने लॉन्ग रूट पे। और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो ना भाई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर जो बंदा पहली बार मेरे वीडियो पे आ रहा है और जो मेरी फैमिली से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। चेन्नई नसरी टनल, और इस टनल में करने वाले हैं हम एंट्री। क्या हुआ क्या हुआ? ट्रैफिक रोका हुआ टनल में, ट्रैफिक जाम हो गया इसलिए रोका हुआ। अच्छा अच्छा, तो भैया 1 घंटा लगा हमें जाम, मतलब 1 घंटा लगा जाम में। ठीक है, और ये जाम खुल चुके हैं और ये है चेन्नई टनल, यहाँ से स्टार्ट होती है। और यार धूल देखो कितनी उड़ रही, अंदर कितनी दूर है ये जो टनल है ना, ये 9 मीटर मतलब 9 किलोमीटर की टनल है और सिंगल लाइन है। बंदे बोर्ड के अंदर बहुत जाम लगा हुआ है इस चक्कर में ना,
एक घंटे से रुका हुआ था, देख रहे हो। अच्छा ये जाम लग रहा है यार गगन, अभी तक जाम निकल नहीं पाया अभी तक यार, हम एक घंटे से लगभग बाहर खड़े ना। फाइनली जो है टनल के बाहर आ गए हैं, मतलब आने ही वाले हैं, और देख सकते हो आप क्या मतलब, साइड से ले लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। भाई क्या जाम लगा रखा था समझ नहीं आया मुझे। अरे क्या रास्ता है यार, पूरा रास्ता ऐसे कैसा है, देखो ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ना। अरे पूरा रास्ता यार, ये देखो जहाँ तक देख रहा हूँ रेड 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 देख रहा है, ट्रैफिक ट्रैफिक है भाई, विश्वास नहीं करोगे। सुबह का निकला हूँ 8:30 बजे का, 2 बजने को आया और अभी तक मैं देखा जाए तो मैं 50-55 ही कर पाया हूँ, क्योंकि यार पीछे पूरा उन्होंने जाम कर रखा है, फिर बंद कर रखा है उन्होंने, टाइम वही लग जा रहा है। फिर थोड़ा सा खाना खाया मैंने, वहाँ पे टाइम लगा, ऊपर से धूप भी इतनी ख़तरनाक हो रही है यहाँ पे, भाई ऐसे चलना पड़ रहा है रिस्क में। चलो बाइक की अच्छी खासी टेस्टिंग हो जा रही है, आर्मी ड्यूटी है ना, ऑन आर्मी ड्यूटी। जिंदगी में और क्या चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है। बगल में चल रही हमारे साथ नदी, नदी के बाद रोड, रोड के बाद पहाड़ एंड पहाड़, सुकून भरी जिंदगी भाई। उस नरक से निकल के इस जन्नत में आ गए हम। नरक मतलब वो नरक जो पिछले 1.5 किलोमीटर हमने पार किया है, जो कि बन जाएगा वो भी एक टाइम पे जन्नत बन जाएगा। पूरी बैंड बजी पड़ी यार आज ट्रैफिक की, तो ये टनल के वजह से तो पूरा ख़राब ही हो गया ना सीन। हाँ ये देखो, यही होता भाई पहाड़ों पे, इसीलिए जो है ना रोक रखा है। अभी गिरा कैसे वो देखो, ओ माय गॉड कैसे गिर रहा है। निकलना थोड़ा सा रिस्की है बट निकलना तो पड़ेगा, कहीं और से ना। ओए 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 ओ तेरी, ये सुरंग के चक्कर में हो रहा है क्या ऐसे? हाँ लग रहा है मुझे, ये पत्थर देखना कितना बड़ा यार। ओए ऐसे मत जाओ यार, एक ही जाओ। हाँ जी हाँ जी, अबे तू और बजा रहा है। वो पहले पत्थर हटाओ, ऐसे नहीं है, रुको 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 रुको, निकलते हैं। निकल गए भाई, निकल गए निकल गए निकल गए, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, चलो 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 चलो। अरे निकलने तो भैया, ओए गगन उतरना पड़ेगा आपको, हाँ उतरना पड़ेगा, मैं थोड़ा रिस्क नहीं, एक मिनट। आराम से चले,
हाँ सॉरी, वो ऊपर से वो गिरे ना, पत्थर वगैरह गिरे हैं। क्या हुआ? चले भाई, पूरा जाम लगा दिया भाई पूरा। हमें निकलने तो दो यार। हाँ जी, हाँ जी, कितना रिस्क है भाई। हाँ मैं तो आराम चलूँगा, मुझे तो भाई पूरा चाहिए रिस्क, रिस्क रिस्क चाहिए बोल रहा हूँ। ये देखो फुल एक्सट्रीम हो गया, फुल एक्सट्रीम। और यही तो अपने को चाहिए होता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक और अपन मजाक में, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, निकलने दो निकलने दो निकलने दो। यस यस, ओके। तो अपन निकल चुका है, तो ये देखो कितना पीसफुल जगह है यार। अभी हम जो है बनिहाल रेलवे स्टेशन, अगर नीचे निकले बनिहाल पहुंच जाएंगे और जम्मू के लिए वापस इधर इस तरफ, ये जो रूट दिखा रहा है, और श्रीनगर के इस तरफ। तो फिलहाल हम निकलते हैं श्रीनगर के लिए, रूट जो है वो उधर से घुमाता है, वो लाइन है। चल तू निकल जा पहले चाचा। ये अब ये हमने हाईवे पकड़ ली श्रीनगर के लिए, क्रोस है, क्रोस ओके। चलो अब ये आ गई फोर लेन, अब यहाँ से खींचेंगे जितना हो सके, यहाँ से जितना हो सके खींचूँगा, ठीक है। फोर लेन है और ट्रैफिक भी नहीं दिखा रहा है, 1 घंटा 32 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, और 92 किलोमीटर है। एटलीस्ट जहाँ से कवर कर लेंगे, 50 किलोमीटर की रेंज दी हुई है। ओके टनल, माउंटेन्स, क्या सड़क आ गई भाई, और अब आएगा मजा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनिहाल टनल NH44। अच्छा ये भी है, देखते हैं कितना लंबा है ये आएगा। मैंने अपना वाइजर खोल लिया है और आपके पास जो है आवाज़ जो है ज़्यादा आ रही होगी, क्यों, क्योंकि अंधेरे में मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई। ये रोशनी मेरे वाइजर, मतलब वाइजर के लिए ना, हेलमेट के सफिशिएंट नहीं है। और देखो कितने बड़े बड़े टनल वो लगा रखे हैं वेंटिलेशन के लिए। अच्छा कैमरे वैमरे भी लगे क्या, 50 की स्पीड बोली ना। चलो ठीक है 50 पे कर लेता हूँ मैं। उड़ते हुए जा रहा भाई, चलो
चलो यार निकल गए। मतलब हमारे सामने सिर्फ दो गाड़ियाँ निकली इसके अंदर से, बाकी कोई भी गाड़ी नहीं निकली। आय हाय ये हुई ना बात। मजा आ गया गगन। श्रीनगर यहाँ से दिखा रहा है 55 किलोमीटर, अनंतनाग 8 किलोमीटर, बिज बेहड़ा 17 और पहलगाम 49। और ये देखो यार इधर पीछे आपको साथ दिख नहीं रखो, बिल्कुल वाइट चादर है, कुछ स्विट्जरलैंड से कम दिख भी नहीं रहा ये। मतलब यार उससे ही कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा देखने में। लोकेशन देखो आप क्या लग रहा भाई, मस्त। और अपन तो चला रखे गाने, गाने सुनते भी निकलते हैं यार, ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब राइट शाम के हो गए, मतलब आपके 5:24 हो गया और एक घंटा अभी भी दिखा रहा है यहाँ से 60 किलोमीटर है, लेकिन अब मैं खेच दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रोड थोड़ा बढ़िया है, 4 लेन हो गया है, आराम से खिंच जाएगा आपका, ठीक है। नज़ारे ये देखो यार, ये नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख में नहीं आते वो दिखाते हैं, लद्दाख का रोड और सामने जो लैंडस्केप है और फिर सामने पहाड़ियाँ, लाइक उस तरह की हैं। सही बात है कि इससे लद्दाख थोड़ा सा दूर ही तो है, मतलब लगभग मान के चलो 500 किलोमीटर इससे आगे लद्दाख निकल जाएगा। तो यार लोकेशन देखो ना यार, मतलब मैं बताऊँ आपको, अगर जो बंदा रियली में अगर यहाँ पे होकर देखता ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता, बहुत ज़्यादा खुश होता। कैमरे में मे भी हो सकता है इतना अच्छे से नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब जो लोकेशन है ना, कसम लगा रहा हूँ दिल खुश करने वाला लोकेशन है। बनिहाल बिझेड़ा 14 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और देखो बिल्कुल वाइट ब्लैक जो ये ना ब्लैक वाला जो आपका पीछे पहाड़ दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे वाइट चादर वाली पहाड़ है, जो मेरे ख्याल से कैमरे में अच्छे से कवर नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। और भाई क्या ही बताओ मैं आपका मौसम, मतलब मेरा ना मेरा पैसा वसूल हो गया भाई, पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया। मैं तो भाई सजेस्ट करूँगा हर बंदे को भाई, एक बार अगर आप रहते हो ना इंडिया में तो भाई आप स्विट्जरलैंड भूल जाओगे, इंडिया में एक बार कश्मीर में घूम के तो देखो यार, देखो तो कश्मीर में घूम के भाई पूरी की पूरा आप स्विट्जरलैंड क्या होता है ना, भूल होता ही नहीं है कुछ यार, उसके सामने तो कुछ है ही नहीं भाई। श्रीनगर दिखा रहा है यहाँ से 25 किलोमीटर और गुलमर्ग है 80 किलोमीटर, तो आज तो गुलमर्ग पहुँचना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो जो प्लान था श्रीनगर का, श्रीनगर का ही हैंड देंगे, श्रीनगर में स्टे करेंगे और नाइट में देखते हैं भैया क्या, अगर कुछ साइट सीन होगा जो नाइट लाइफ होगी, देखते हैं नाइट लाइफ क्या है श्रीनगर की, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करूँगा एक्सप्लोर करने की। और जो जैसे बनिहाल जो रेलवे स्टेशन है ना सर, उसके बाद से जो है ना जो सड़क है ये वाली श्रीनगर की तरफ जा रही है, ये सड़क बिल्कुल मस्त सड़क है, कहीं पे भी कुछ पैच नहीं है किसी चीज़ का, कोई भी गड्ढे का पैच नहीं है, ठीक है। तो मुझे DL नंबर, ये तो भाई कहीं भी ब्रेक मार देते हो यार तुम तो। और जो सड़कें हैं वो एकदम प्यारी है, मतलब तो गाने सुनता आ रहा था, मैंने स्पीकर लगा रखा आगे, यहाँ पे मेरे गाना चल रहा था, तो मल्टीपल स्क्रीन कर रखा है, यहाँ पे मैप चल रहा है, यहाँ पे गाने चल रहे थे, तो अभी मैंने गाना हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। कुल्फी जम रही है वो कैसे मुँह उतरा वो कहाँ ये वो पानी के लिए, ये देखो इधर इधर वाइट है पूरी ना, इधर भी वाइट है, है? मुझे लगा बंदूक के लगा रखी है। नहीं नहीं बंदूक नहीं लगा रखी। निकालो किसमें, गगन को लग गई ठंड, इसने निकाल दिया अपनी जैकेट है फटाफट से है ना। और ये है अपना सुहाना मौसम भाई, उधर सफ़ेद चादर है, इधर ब्लैक चादर है, फिर सफ़ेद चादर है। हाँ भाई इतनी ठंड लग रही थी ना, रास्ते में रुकना पड़ा हम लोगों को यार भाई। और ये सड़कें देखो ना, लैंडस्केप देखो क्या प्यारा सा लग रहा है ना यार। मैंने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, जिसमें वो फुंगसुक बांगड़ू के वहाँ पे जाते हैं लद्दाख में, तो कुछ ऐसे ही था ना, प्लेन सरफेस से निकलते हैं वो लोग, ट्रैवल करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लद्दाख के पास ही आ गया। और मैं
तो भाई अभी जो है मैं पहुंचने वाला हूं श्रीनगर, जो बाईपास से ना मैंने शॉर्टकट ले लिया। एक बंदा मुझे मिल गया जो बोल रहा है कि बोट हाउस मैं आपको दे दूंगा सस्ते में, तो फर्स्ट टाइम है जो मेरा एक्सपीरियंस होगा बोट हाउस में रहने का। शिकारा से भी होता है ना, शिकारा और बोट हाउस एक ही होता है ना। तो उसमें 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 रूम नहीं मिलता है? वो क्या होता है, उसे घूमने के लिए होता है, घूमने के लिए बोट नॉर्मल किस्ती वो है? वो बोट। अच्छा जिसमें हम अभी हम रहेंगे? नहीं वो तो बोट हाउस है। अच्छा अच्छा पूरे घर की तरह होगा, जो फ्लैट नहीं होता बट रूम। हाँ 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 ऐसे होगा, उसमें डाइनिंग एरिया होगा, एक रूम होगा। ओके नगर में आ गए भाई, इसलिए इतनी जाम लग रही है। और ये मेरे ख्याल से डल लेक ही है, देखो उसके अंदर बोट हाउस है। वो होता ना बोट हाउस? नहीं, नहीं नहीं। वो क्या होता है फिर? वो क्या होता है? ऐसे बना रखा रहने के लिए। तो ये भी तो घर ही होगा। हाँ, ट्रैफिक आ गई मतलब आप शहर में पहुंच गए हो। कहाँ पे? अच्छा वो अच्छा 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 ठंड बहुत है यहाँ पे यार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पहुंचूंगा डल लेक, ठीक है। और डल लेक में ना हमने लिया बोट हाउस। तो ये देखो ये मेरे पीछे दिख रहे हो, ये डल लेक है और उधर शायद अंधेरा हुआ, बंदे जो है शिकार राइड कर रहे हैं। और ये हमारा जो है ये बोट हाउस है यार, ये ना थोड़ा सा हिलता है यार ये। तो मैं ना आपको दिखाता हूँ अंदर से कमरा कैसा, ठीक है।